अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है रिप्रोडक्शन इन फंजाई। जैसे कि हमने फंजाई का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फंजाई की बॉडी के बारे में, फंजाई में न्यूट्रिशन किस तरीके से होती है। अब हम पढ़ेंगे कि फंजाई रिप्रोड्यूस किस तरह से करते हैं। रिप्रोडक्शन मतलब कि किस तरह से फंजाई अपना नंबर इंक्रीज करते हैं, किस तरह से ये ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं, न्यू जनरेशंस प्रोड्यूस करते हैं। तो फंजाई जो है इसमें ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन दोनों तरीके से रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। लेकिन एक टाइप फंजाई की ऐसी है जिसका नाम है इम्परफेक्ट फंजाई। अभी हम टाइप्स, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो टाइप्स के बारे में होगा, फंजाई के डिफरेंट टाइप्स के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इम्परफेक्ट फंजाई एक ऐसी टाइप है फंजाई की जिसमें सिर्फ और सिर्फ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती है, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। लेकिन जो बाकी की टाइप्स हैं उनमें दोनों तरीके की रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी, ठीक है। अब हम डिटेल में देख लेते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होती है फंजाई में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होती है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो चार तरीकों से हो सकती है फंजाई में, ठीक है। स्पोर्स के ज़रिए, कोनीडिया के ज़रिए, फ्रैगमेंटेशन के ज़रिए और बडिंग के ज़रिए, ये चार तरीके हैं ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के फंजाई के अंदर। अब स्पोर्स क्या हैं और किस तरह से स्पोर्स के ज़रिए रिप्रोडक्शन होती है, हम लेट्स सपोज कि ये एक फंजाई की एक फंजाई का माइसीलियम है। माइसीलियम मतलब फंजाई की जो बॉडी होती है, ठीक है। हमें पता है कि फंजाई के ऊपर फंजाई जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स यानी कि हाइफी से मिलके बनते हैं और इनके पास एक स्पेशलाइज्ड किस्म के हाइफी होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर, और उनके ऊपर ये राउंड सा एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं स्पोरेंजिया, और स्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस होते हैं स्पोर्स, ठीक है। फंजाई का जो माइसीलियम है, जो बॉडी है फंजाई की, उनमें से कुछ मॉडिफाइड हाइफी होते हैं, स्पेशलाइज्ड हाइफी होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर, और स्पोरेंजियोफोर के ऊपर लगे हुए होते हैं या बने हुए होते हैं स्पोरेंजिया, और स्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस होते हैं स्पोर्स, ठीक है। अब ये जो स्पोर्स होते हैं दे आर हैप्लॉइड, दे आर नॉन मोटाइल। हैप्लॉइड है मतलब इनमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ होता है। ये नॉन मोटाइल है मतलब ये मूव नहीं कर सकते, और ये डिस्पर्स होते हैं थ्रू विंड यानी कि ये हवा के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह पे बिखर सकते हैं, डिस्पर्स हो सकते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया में फंजाई रिप्रोडक्शन कर सकती है स्पोर्स के ज़रिए, ठीक है। तो फंजाई की जो माइसीलियम है उसके ऊपर स्पोरेंजियोफोर है, और स्पोरेंजियोफोर के ऊपर स्पोरेंजिया है जिसमें स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, दे आर हैप्लॉइड स्पोर्स। और ये जो स्पोर्स हैं जब इनको कहीं पे सूटेबल एनवायरनमेंट मिलता है तो ये क्या कर देते हैं, जर्मिनेट करना शुरू कर देते हैं। जब ये जर्मिनेट करेंगे तो ये न्यू फंजाई का माइसीलियम बना देंगे, न्यू फंगस बॉडी बना देंगे। जितने ज़्यादा स्पोर्स उतनी ज़्यादा न्यू माइसीलियम बन जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से जो फंजाई है वो स्पोर्स के ज़रिए रिप्रोडक्शन करता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। क्या करेंगे, स्पोरेंजिया में स्पोर्स प्रोड्यूस कर लेंगे, वो हैप्लॉइड स्पोर्स होंगे, ठीक है। तो ये जो स्पोर्स हैं जब हवा के ज़रिए डिफरेंट जगहों पे जाके ये बिखर जाएंगे तो ये जहाँ पे भी इनको सूटेबल एनवायरनमेंट मिलेगा ये क्या करेंगे, जर्मिनेट कर जाएंगे और न्यू फंगल माइसीलियम और न्यू जो फंगल बॉडीज़ बना देंगे, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन में यही तो होता है कि अपना नंबर इंक्रीज़ करना, तो इस तरीके से फंजाई स्पोर्स के ज़रिए अपना नंबर इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। सेकेंड जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है वो है कोनीडिया। अब कोनीडिया जो है ये बेसिकली स्पोर्स ही होते हैं। कोनीडिया एंड स्पोर्स में डिफरेंस बस ये है, कोनीडिया भी स्पोर्स ही हैं। सिंगल को हम कहते हैं कोनीडियम और प्लूरल को बोलते हैं कोनीडिया। अब कोनीडिया भी स्पोर्स ही हैं तो फिर इनको स्पोर्स से डिफ्रेंशिएट क्यों किया, इनको कोनीडिया क्यों बोल रहे हैं हम। स्पोर्स के बारे में पढ़ा कि वो स्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है स्पोरेंजिया, उसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन जो कोनीडिया हैं ये स्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस नहीं होते, बल्कि हाइफी के पास कुछ और मॉडिफाइड स्पेशलाइज्ड
हाइफी होती हैं जिनको हम बोलते हैं कोनिडियोफोर। जिस तरह से स्पोर्स के केस में हम कह रहे थे स्पोरेंजियोफोर है, उसके ऊपर स्पोरेंजिया प्रोड्यूस होते हैं, उसके अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन कोनिडिया के केस में फंजाई के पास होती हैं कोनिडियोफोर जो स्पेशलाइज्ड हाइफी होती है, ठीक है। और उन हाइफी के ऊपर, कोनिडियोफोर के ऊपर कोनिडिया जो हैं वो चेन्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जिस तरह से यहाँ पे आपको चेन दिखाई दे रही होगी कोनिडिया की, तो कोनिडिया जो हैं बेसिकली डिफरेंट कैसे हैं स्पोर से, स्पोर्स स्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन कोनिडिया कोनिडियोफोर के ऊपर चेन्स की फॉर्म में, क्लस्टर की फॉर्म में, क्लस्टर हम बोलते हैं गुच्छे की फॉर्म में, ठीक है। तो ये चेन्स की फॉर्म में कोनिडियोफोर के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। पर्पज़ इनका भी सेम वही होता है, रिप्रोडक्शन करना। जैसे ही कोनिडिया जो है ये चेन इनकी सेपरेट होगी कोनिडियोफोर से और ये विंड के ज़रिए जो हैं वो डिस्पर्स होंगे, तो जहाँ पे भी इनको सूटेबल इन्वायरमेंट मिलेगा ये जर्मिनेट हो जाएंगे और न्यू जनरेशन प्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। फिर आ जाती है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन का बेसिकली मतलब होता है टुकड़ों में तकसीम होना, ठीक है। यानी कि अगर हम फंजाई की जो बॉडी है जिसको हम माइसीलियम बोलते हैं उसके दो हिस्से कर दें, उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दें, तोड़ दें, तो क्या होगा कि वो जो दो न्यू हिस्से बनेंगे उन दोनों में ये एबिलिटी है कि वो एक पूरा का पूरा फंजाई का इंडिविजुअल बना दें, ठीक है। तो इस तरह से एक माइसीलियम के जितने भी फ्रैगमेंट्स हो जाएं टुकड़े कर दें हम, हर टुकड़ा आगे से एक नया इंडिविजुअल बना देगा, ठीक है। तो इस तरह के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड को हम बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन। लास्ट पे आ जाती है बडिंग। बडिंग में क्या होता है, जैसे कि यीस्ट के बारे में हमने पढ़ा था कि यीस्ट एक नॉन हाइफल फंजाई है, यानी कि यीस्ट के पास हाइफी नहीं होते बल्कि यीस्ट यूनिसेलुलर है और इसकी जो यीस्ट का जो सेल है वो राउंड सा इलोंगेटेड सा सेल होता है यीस्ट का, ठीक है। इनके पास कोई हाइफी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नहीं होते, इनकी जो बॉडी है वो एक ही सेल पे कंसिस्ट कर रही होती है, इसलिए हम इनको यूनिसेलुलर बोलते हैं। तो क्या होगा कि यीस्ट के ऊपर एक छोटी सी आउटग्रोथ बनेगी, एक बर्ड बनेगी, ठीक है। वो बर्ड जो है वो एक कंप्लीट जो है वो स्ट्रक्चर बन जाएगा उससे। तो ये जो बर्ड होगी वो क्या करेगी, साइज में ग्रो करेगी और ग्रो करते करते ये भी एक, जब ये साइज में एनलार्ज हो जाएगी, ये छोटी सी आउटग्रोथ और बर्ड जो बनी थी जब ये साइज में बड़ी हो जाएगी तो क्या होगी, ये अपने पेरेंट सेल से सेपरेट हो जाएगी और एक नया यीस्ट का सेल बना देगी, ठीक है। तो इस तरह से यीस्ट में जो रिप्रोडक्शन होती है वो किस तरह से होती है कि यीस्ट के सेल के ऊपर एक छोटी सी आउटग्रोथ बनती है, एक बर्ड बनती है और वो बर्ड जो है वो ग्रो करके एक पूरा इंडिविजुअल बना देती है। तो इस तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है फंजाई में, ठीक है। अब हम देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है फंजाई में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम जानते हैं कि रिप्रोडक्शन का ऐसा मोड है जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। यानी कि दो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट से जो न्यू इंडिविजुअल बनता है उसको हम बोलते हैं कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई में किस तरह से होती है, फंजाई में क्या होगा कि दो डिफरेंट फंजाई, ठीक है, दो डिफरेंट फंजाई क्या होंगे, करीब आएंगे, ठीक है। दो डिफरेंट स्पीशी के, दो डिफरेंट जो फंजाई होंगे, दो डिफरेंट फंगल माइसीलियम होंगे वो करीब आएंगे, फिर क्या होगा उन दोनों की हाइफी जो है वो मिलेगी, फ्यूज करेगी, दोनों डिफरेंट फंजाई की हाइफी आपस में फ्यूज करेगी, ठीक है। यानी कि दोनों डिफरेंट फंजाई के हाइफी का जो सेल्स होंगे वो आपस में फ्यूज करेंगे। जिस तरह से आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये दो डिफरेंट फंजाई है, ठीक है। तो इनकी जो हाइफी है ये क्या हुई, करीब आई और इन दोनों के सेल्स जो हैं वो आपस में करेंगे फ्यूज, ठीक है। तो हमें पता है कि जो हाइफी है उसमें जो न्यूक्लियाई होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, तो जब दो डिफरेंट फंजाई के हाइफी के न्यूक्लियाई फ्यूज करेंगे तो उसके रिजल्ट में बन जाएगा क्या, जाइगोट या जाइगोस्पोर। बिल्कुल इस तरह जिस तरह से एनिमल में एग और स्पर्म के मिलने से जाइगोट बनता है, इसी तरह फंजाई में दो डिफरेंट न्यूक्लियाई, दो डिफरेंट फंजाई के हाइफी के न्यूक्लियाई फ्यूज करेंगे तो बन जाएगा जाइगोस्पोर,
और उस जाइगोस्पोर से एक नया इंडिविजुअल बन जाएगा। तो इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है फंजाई में, कि दो डिफरेंट पेरेंट्स हैं इसमें, दो डिफरेंट फंजाई हैं, उनके हाइफी मिले, उनके हाइफी के सेल्स के जो अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, वो फ्यूज हुए, जाइगोस्पोर बना और उस जाइगोस्पोर से एक न्यू इंडिविजुअल बन गया, ठीक है, यानी कि न्यू जनरेशन आ गई, ऑफस्प्रिंग आ गई। तो ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका, ठीक है। तो सबसे पहले हाइफी के जो दोनों सेल्स मिले तो उनका पहले साइटोप्लाज्म फ्यूज करेगा। साइटोप्लाज्म के फ्यूज करने को हम बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। अब जब दोनों सेल का साइटोप्लाज्म फ्यूज कर गया तो फिर क्या होगा, अब दोनों के न्यूक्लियाई फ्यूज करेंगे और जाइगोट बनेगा। तो न्यूक्लियस की फ्यूजन को हम बोलते हैं कैरियोगैमी, ठीक है। साइटोप्लाज्म की फ्यूजन को हमने बोला प्लाज्मोगैमी और न्यूक्लियस की फ्यूजन को बोला कैरियोगैमी, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ पहले, फिर न्यूक्लियस फ्यूज किया और जाइगोट बन गया, और जाइगोट से एक न्यू इंडिविजुअल। तो इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है फंजाई में।